पुलिस मुठभेड़ में एक साथ ही टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध पिस्टल निवेक जिंदा, दो खोखा कारतूस बरामद। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में एक साथ ही टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कब्जे से एक अवैध पिस्टल जिंदा और दो खोखा कारतूस को बरामद किया है। कल एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक थाने के ही HS और गैंगस्टर के मुकदमे में भी रहा मुलजिम ने, पूर्व में उसने अपने ही पैसे के लेन देन के चाचा से पैसे के लेन देन को लेकर गोली मारी थी। तो लिहाजा इस घटना पर तुरंत ही जो है कि जनपद की पुलिस और टीम द्वारा गठित करते हुए इनके बदमाशों को पता लगाने के लिए उनके ठिकानों पर लगातार जो है कि दबिश और छापेमारी की प्रक्रिया चल ही रही थी। आज हम मुखबिर खास से यह सूचना मिली कि क्षेत्र किन्नूपुर में जो बदमाश कल इस घटना को कारित करने में शामिल रहे, वो फिर से एक जगह पे एकजुट हुए हैं और कोई योजना बना रहे हैं। या तो वो यहाँ से निकल जाने के फिराक में थे, या फिर उनके द्वारा कोई अन्य भी घटना कारित किए जाने का प्लान कर रहे थे। लिहाजा इस पर थाना कोतवाली के जो टीम थी और SOG टीम ने मिलकर मौके पर घेर घार कर उस पर दबिश देने और उनको पकड़ने की कोशिश की। इसी क्रम में उनकी ही टीम का एक सदस्य जो है अभिमन्यु, वह जो है कि मौके पर उसके पास एक असलहा भी था, जिसे वो भागने के लिए पुलिस टीम के ऊपर उसने जो है कि फायरिंग की। पुलिस द्वारा उसको पहले समझाया गया कि सरेंडर कर दे और इस प्रकार की जो है कि घटना गोली न चलाए, लेकिन वो भागने पर आमादा था और पुलिस के ऊपर हमलावर लगातार हो रहा था। इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो है कि उसके ऊपर उसको रोकने के क्रम में उसकी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, उसके पैर में गोली लगी है। तो इस प्रकार उसको तत्काल ही मौके से चिकित्सा के लिए रेफर कर दिया गया है और उसकी अभी स्थिति सामान्य है, पैर में गोली लगी है। शेष जो वहाँ पे थे मौके से फरार हो गए हैं, जिनको पकड़ने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं।